आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक और औषधीय पौधे की चर्चा करेंगे, ओप्लिस मैनस अंडुलेटिफोलियस, टोकरी घास भी कहते हैं और संस्कृत में वेणु पत्रिका के नाम से पुकारा जाता है। पोएसी फैमिली का प्लांट है और काफ़ी अच्छा ये कार्य करता है और बरसात के मौसम में ख़ास तौर से काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है। वैसे तो बारह मास ये छोटा पौधा है, वीड है, आराम से आप आसानी से इसको खेतों में देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसको हम औषधीय गुणों के लिए किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, इसको भी आज हम जानेंगे। मित्रों, इसको अंडुलेटिफोलियस इसलिए कहते हैं कि इसकी आप जब लीव्स देखेंगे तो इसके लीव्स के ऊपर ये अंडुलेशंस बने हुए हैं। जिस प्रकार से रोड सड़क आप देखते होंगे ना, अंडुलेशंस उसके ऊपर बने हुए होते हैं, ऐसे ही इसके पत्र के ऊपर अंडुलेशंस बने हुए हैं, तो इसीलिए इसको अंडुलेटिफोलियस कहते हैं। तो वेणु पत्रिका, पोएसी फैमिली का प्लांट, किस प्रकार से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, आज हम विधिवत जानेंगे। मित्रों, इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप घाव पे लगा दीजिए, फंगल इन्फेक्शन आसानी से ठीक कर देता है। कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण घाव नहीं भरते हैं या एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव के कारण हीलिंग बड़ी स्लो हो जाती है, पस पड़ जाती है घाव में और हील होने नहीं देता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ऐसे घावों को भरने के लिए भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस घास का पेस्ट बनाकर आप लगाइए, घाव को भरने का कार्य करता है। बालों में इसका डिकॉक्शन बनाकर आप बालों को धोइए, हेयर ग्रोथ को लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, डैंड्रफ की समस्या के लिए, हेयर शाफ्ट को मजबूती देने के लिए, स्प्लिट एंड की समस्या को ठीक करने के लिए, बालों को मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल कंडीशनर के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य करता है। नेचुरल प्लांट्स और उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार के सिंथेटिक फॉर्मुलेशन में कोई विकल्प नहीं है और अच्छे बालों की हेल्थ के लिए आप इसका पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। स्किन के ऊपर आप इसको लगाएंगे तो चेहरे की कांति को भी बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जानकारी ना होने के कारण, अनभिज्ञता के कारण हम लोग औषधीय उपयोगों में इसको नहीं ला पाते हैं। इसका जूस बनाकर 5 ml आप सेवन करते हैं तो पित्त की समस्या का निराकरण करते हुए लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। आपको भूख ना लग रही होती है तो भूख को बढ़ाने का कार्य करता है। इनडाइजेशन की समस्या को भी ठीक करने का कार्य करता है। ओबेसिटी की समस्या को भी आसानी से ठीक कर देता है और ब्लड के अंदर बढ़ते हुए बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी ठीक करने का ही कार्य करता है। काफ़ी अच्छा ये प्लांट है। कई प्रकार से हम इसको अपने दैनिक जीवन में उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में मित्रों इसका सेवन आप नहीं कीजिए। प्रकृति इसकी शीत प्रकृति होती है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, तो इसलिए क्वांटिटी 5 से 7 ml से ज़्यादा ना लें। दिन में एक बार पर्याप्त होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी शरीर की हीलिंग को अच्छा करने वाला होता है। आर्थराइटिस की समस्या हो उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करते हुए धीरे धीरे हीलिंग को बढ़ा देता है, शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा कर देता है। मैं समझता हूँ कि इसका आप सेवन करते हैं तो किसी नेचुरल आयरन की कमी को शरीर के अंदर, कैल्शियम की कमी को, मिनरल्स की कमी को आसानी से पूरा कर देता है और इसको लेते हुए आपको किसी और सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर के सभी प्रकार के मिनरल्स के दोषों को दूर करता है। इसका 5 से 7 ml जूस इम्यूनागोग का भी कार्य करता है जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने वाला होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। कई बार फ्री रेडिकल्स के एक्यूमुलेशन के कारण हमारे हॉर्मोन्स डिसरेगुलेट हो जाते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स नेचुरल फंक्शनिंग शो नहीं करते हैं, जिसके कारण भी समस्याएँ हो जाती हैं। ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए भी
आप इसका 5 से 7 ml जूस उपयोग में ला सकते हैं। ये जो प्लांट्स की जानकारी है आप अवश्य साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए, ताकि उनसे भी आप लाभ उठा सकें। जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे नए प्लांट के चर्चा हेतु। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।